अच्छा जी, तो हम पहुंचे थे कहाँ तक? आपने बिल्कुल अभी बुनियादी कुछ बातें की थी कि ISRs कैसे, कुछ थोड़ा सा एग्जांपल्स देखे थे जेन इंटरप्ट और इंट 86 के, मतलब इतना हमें समझ आ गया कि बेसिकली इंटरप्ट्स चल कैसे रहे हैं, कॉल कैसे करने हैं, करने पड़े तो। अब बात ये शुरू होएगी कि हम अपने इंटरप्ट्स लिखेंगे, जिसको हुकिंग कहते थे, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया कि हमने जेन इंटरप्ट करके इंटरप्ट कॉल कर लेना है, बना बनाया। हमें ये पता चला कि हम इंट 86 लिख के वो रेजिस का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम ये काम कर सकते थे। तो ये दोनों तरीके थे इंटरप्ट्स कॉल करने के, और मैंने कल काफ़ी डिटेल में किया था कि बेसिकली बायोस और डॉस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद हैं जिनको एक्सपोर्ट किया गया है थ्रू इंटरप्ट्स। तो बेसिकली तुमने क्या करना होता है, तुम्हें सर्विस का पता होता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि तुम्हें ये सर्विस पता है कि ये एक सर्विस है इंटरप्ट 10 की सर्विस मान, तुमने क्या करना है, तुमने कोड लिखना है जो सर्विस को कॉल कर देगा, दैट्स इट। एक API मिल गई तुम्हें बायोस की जी जो कॉल कर देगी। तो हमने सिर्फ ये काम किया था कि हमने इन दो फंक्शंस के जरिए से कुछ बने बनाए सी प्लस जावा के, सॉरी उसके बायोस के और डॉस के ISRs को कॉल की थी। ये हमारा काम था। आज काम ये है कि अपनी ISRs लिखनी है, हुकिंग करनी है, इस तरह के काम करने हैं, ठीक है? तो ये इस तरह हमने अपनी ISRs खुद सॉफ्टवेयर ISRs लिखनी है, ठीक है? अच्छा, पहले दो फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज में। बेसिकली हम क्या करने लगे हैं, टुडे वी विल बी बुकिंग इंटरप्ट्स। आई हुकिंग का मतलब क्या होता था कि चेंजिंग द एड्रेस, चेंजिंग द वेक्टर इन द IBT। हुकिंग ये होती थी कि जब कोई इंटरप्ट आता था, फॉर एग्जांपल इंटरप्ट 5 आया है, तो तुम्हें ये पता है कि सिस्टम जाएगा IBT में, वहां से वेक्टर लेगा और ISR पे चला जाएगा। तुम वो वेक्टर चेंज कर देते थे, तुम उस वेक्टर को पॉइंट कर देते थे अपनी किसी ISR की तरफ, अपने कोड की तरफ। तो अब होता यह था कि जब वो फलाना इंटरप्ट आता था तो वो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट करने निकल जाता था, विच इज फाइन। यही इसी को हुकिंग कहते हैं। तुम्हें एक अपनी ISR लिखनी पड़ेगी और साथ उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू डू दिस वी नीड टू बी एबल टू मैनिपुलेट वेक्टर्स। हमें IBT के अंदर पड़े हुए वेक्टर्स के साथ खेलना आना चाहिए। तो ये दिस इज डन बाय गेट वेक्ट एंड सेट वेक्ट, दो फंक्शन हैं सी लैंग्वेज के। असेंबली में तो ये हाथ से करते थे, यहाँ पे बड़ा आसान है कि दो फंक्शंस हैं सेट वेक्ट और गेट वेक्ट। गेट वेक्ट को सिर्फ तुमने एक इंटरप्ट नंबर देना होता है, दैट सेट, ठीक है? और ये क्या करेगा, दिस रिटर्न्स अ वेक्टर। और सेट वेक्ट को तुमने दो चीजें देनी होती हैं, एक तो तुमने इंट नंबर देना होता है और एक तुमने वेक्टर देना होता है। तो बस बात समझो ना कि क्या कर रहे हो। सेट वेक्ट ये कर रहा है कि फलाने इंटरप्ट के वेक्टर को चेंज करके ये कर दो, मतलब उसको ओवरराइड कर रहा है IBT के अंदर, मतलब वो सेटर गेटर वाली बात है, ठीक है? यहां पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस बात पे कि व्हाट इज अ वेक्टर। वेक्टर एक्चुअली क्या होता है और उसकी डिटेल क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो वेक्टर इज अ फार एड्रेस, बेसिकली तो इज अ फार एड्रेस, यानी उसमें सेगमेंट भी है और उसमें ऑफसेट भी है, दोनों चीजें हैं। वेक्टर एक 4 bytes का एड्रेस है जिसमें सेगमेंट भी है और ऑफसेट भी है। इसको तो मैं समेटता हूँ ना यहीं पे। ये तो बात एक ही बात हो गई जो अभी तक हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका इसको सोचने का क्या है, वेक्टर इज अ पॉइंटर टू अ ISR। ये तरीका प्रोग्रामर का तरीका है सोचने का, यार वेक्टर एक्चुअली है क्या। वेक्टर एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ISR का एड्रेस है, विच मीन्स के वेक्टर बजाते खुद एक पॉइंटर हुआ जो एक ISR की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ISR क्या चीज है। ISR इज बेसिकली अ फंक्शन। ISR या इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक पीस ऑफ कोड है जो इंटरप्ट के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होता है। इट्स अ सर्विस, इट्स अ सब रूटीन, इट्स अ फंक्शन, नॉर्मल एक फंक्शन की तरह है।
बेसिकली एसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन पॉइंटर्स हियर. वेक्टर एक फंक्शन पॉइंटर है, बस थोड़ा ज्यादा मौजज है क्योंकि जिस फंक्शन की तरफ वो पॉइंट कर रहा होता है वो फंक्शन बजाते खुद मौजज है. ठीक है, तो थोड़ा सा फंक्शन पॉइंटर्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी जो हमने कभी यूज नहीं की है सी प्लस प्लस. मैं वेक्टर रिवाइज नहीं रिवाइज करवा रहा बिल्कुल एक फीसद भी. वो क्या बोला पॉइंटर्स, ये ना कहना कि पॉइंटर्स रिवाइज करवा, बिल्कुल नहीं. ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, समझाना आसान है. छोटा हो जाता है. अच्छा, ये मैं फंक्शन पॉइंटर समझाने की कोशिश करूंगा. तो ये क्या है, ये कोई बच्चा भी बता देगा 9वीं 10वीं का, ये एक फंक्शन है. ये क्या है, ये फंक्शन पॉइंटर है, ये वो चीज है जो हम सीखना चाहेंगे. अब अगर इस ये जो ब्रैकेट्स दो लगे हुए हैं ना, समझो ये नहीं लगे हुए, इनको भूल जाओ कि ये ब्रैकेट दो लगे हुए हैं. समझो लिखा हुआ है void star fptr, लिखा हुआ है void star fptr, तो तुम क्या समझोगे, तुम समझोगे कि ये पॉइंटर है. उल्टा पढ़ते थे ना सी लैंग्वेज में, ये ptr इज अ पॉइंटर टू अ void. अब मुझे पता है कि void की तरफ पॉइंटर तो स्टूपिड बात है, लेकिन बहरहाल ये एक नॉर्मल पॉइंटर है. इसके आगे दो ब्रैकेट लगा दो, ये एक फंक्शन पॉइंटर बन, खत्म, दैट्स इट. जिस तरह int star ptr एक पॉइंटर होता है जो एक इंटीजर की तरफ पॉइंट करता है, उसी तरह से ये पॉइंटर एक एक फंक्शन पॉइंटर है जो एक ऐसे फंक्शन की तरफ पॉइंट करेगा जो void है. वो फंक्शन ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला फंक्शन जो है एक void फंक्शन है. अब इस फंक्शन की तरफ अगर मैं एक पॉइंटर सेट करता हूं तो वो इस तरीके से कोड के अंदर मुझे बनाना पड़ेगा. ये मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंट कहीं नहीं कर रहा. रिमेंबर दिस इज जस्ट पॉइंटर डिक्लेरेशन. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नॉट असाइनमेंट, ये मतलब मेरे हिसाब से इतना जरूरी था कि मैंने लिखा है. बात तो सीधी सी है कि मैंने भी इसको कहीं पे असाइन तो नहीं ना करवाया, ये पॉइंटर भी कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा, बस मैंने इसे बना दिया कि बन गया. ये इस तरह ही है जैसे आप इंट स्टार पीटीआर लिखते हो, पॉइंट वो कहीं नहीं कर रहा होता. उसके बाद अगली लाइन में आप लिखते हो कि ptr इज इक्वल टू ampersand x, अब वो पॉइंट करता है. तो अब तीसरी लाइन में ये मैंने असाइनमेंट करवाई है, यानी func ptr का जो पॉइंटर है, ये func ptr का, ये अब किधर पॉइंट कर रहा है, my func की तरफ, इस फंक्शन की तरफ. यानी अब ये पॉइंटर वाकई इसकी तरफ, इस फंक्शन की तरफ पॉइंट करने लगा है. तो ये असाइनमेंट कह लो, मतलब असाइनमेंट कह सकते हैं मेरा ख्याल है, वो पॉइंटर असाइन हो गया. अब हमारे पास दो रास्ते हैं उस फंक्शन को कॉल करने के, वो ये दो रास्ते हैं. एक तो नॉर्मल जिस तरह बचपन से कॉल करते हैं फंक्शन का नाम लेके, माय फंक ब्रैकेट ब्रैकेट फंक्शन कॉल हो गया, या आप पॉइंटर के जरिए से हम कॉल करेंगे डी रेफरेंस करके स्टार फंक पीटीआर ब्रैकेट ब्रैकेट. लो जी, ये जरा कम ही समझ आई होगी. अच्छा, ये मैं आपके सामने रख दूंगा आपकी हेल्प के लिए, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, आइए साहब लिखो. आइए साहब लिखो, तो void आइए साहब, माया आइए साहब कह देते हैं, शायद बुक में माया आइए शायद नाम है. तो ये मैंने एक फंक्शन लिख लिया, अभी तक तो कोई खास बात नहीं हुई. अगेन मेरा ख्याल है इंटर में बच्चा ये लिखना सीखता है, ये फंक्शन, ये एक सिंपल मैंने फंक्शन लिख दिया. अब इसको आई एस आर कैसे बनाना है, यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज इंटरप्ट का लिख के, दैट्स इट, ये आई एस आर बन गया, दिस इज एन आई एस आर. आई एस आर स्टैंड फॉर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इट इज अ पीस ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट्स अगेंस्ट एन इंटरप्ट. हम अपनी लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो जो बायोस में पढ़ी है उसको छोड़ो, हम अपनी लिखेंगे. तो अपनी आईएसआर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे void interrupt my ISR, as simple as that. अब मैं आपसे कहूंगा कि एक वेक्टर बना के दिखाओ,
तो हम शुरू करेंगे एक सिंपल फंक्शन पॉइंटर से, वेक्टर से नहीं शुरू करते, एक सिंपल फंक्शन पॉइंटर। सिंपल फंक्शन पॉइंटर जो अभी आप बना के आए हो वो कुछ इस तरह से था ना, कुछ इस तरह से हमने डिक्लेयर किया था अभी अभी दो मिनट पहले, ये जो बुक में था कि हमने ये कैसे डिक्लेयर किया था, ये ऐसे डिक्लेयर किया था void star जो भी था। तो अब सिर्फ फर्क ये है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसको वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर थोड़ा सा मोजस पॉइंटर होता है। वेक्टर और पॉइंटर में क्या फर्क था, वेक्टर आईएसआर की तरफ पॉइंट करता है, तो तो इसको सिर्फ इंटरप्ट पे यहां पे एक लव देना है और ये एक वेक्टर बन गया। अब बस आगे नहीं मैं करूंगा, आगे ये है कि वेक्टर को पॉइंट करवाओ एक आईएसआर की तरफ, उस तरह खेल के देख लो, वो बेसिक बातें हैं बस। तो ये अब चीजें इंटरप्ट बनाना, आईएसआर आईएसआर लिखना, वेक्टर लिखना, ये बिल्कुल अब छोटी छोटी बातें हैं आपके लिए होनी चाहिए। ये सारा कुछ बुक में हुआ हुआ है, ये एक आईएसआर बन गई, नाम रखा है न्यू इंट, ये एक वेक्टर बन गया, है तो एक पॉइंटर ही, फंक्शन पॉइंटर है लेकिन जरा मौजज है क्योंकि इंटरप्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, आईएसआर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये इस मौजज को हम वेक्टर कह देते हैं। अब ये सारी कहानी घड़ी की हुआ है, ये सारी कहानी इसकी घड़ी है कि गेट वेक्ट रिटर्न्स अ वेक्टर व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप आई वेक्टर। मतलब ये सारी कहानी इसकी घड़ी है कि जब तुम गेट वेक्ट कहोगे तो वो तुम्हें एक वेक्टर ला के देगा, वो वेक्टर स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास एक वेक्टर मौजूद होना चाहिए, तो तुम एक वेक्टर इस तरह का बनाओगे int ptr वाला और फिर उसके अंदर की इस तरह से get vec करवा के उसके अंदर वो रखवा लोगे कि वो किधर पॉइंट कर रहा है, और आगे आपकी मर्जी कि आप इस तरह से चलते हो। सेटिंग इंटरप्ट वेक्टर उससे भी आसान है, इसमें ये होता है कि हम अपनी एक रूटीन लिखेंगे, आईएसआर लिखेंगे और इसका पॉइंटर, इसका पॉइंटर क्या होगा, बस इसका नाम न्यू इंट, वो हम सेट वेक्ट में रख देंगे। हम सेट वेक्ट को कहेंगे कि जो 8 नंबर का जो वेक्टर है उसको ओवरराइट कर दो और हमारा वेक्टर वहां पे फिट कर दो। यानी अब जब भी 8 नंबर इंटरप्ट आएगा तो ये जो न्यू इंट है ये कॉल हो जाएगा। यहां तक कोई मसला, कोई चीज पूछनी हो, एनीथिंग? बिजली आगे नहीं कुछ समझ आएगा ना अगर यहां तक क्लियर नहीं आता। चलो आ जाओ पढ़ो और समझाओ, एक एक लाइन करके करनी है, मतलब एक्चुअली बेसिकली एक एक लाइन समझानी है। तो पहली लाइन समझाओ, पहली लाइन में क्या हो रहा है। वेक्टर बन रहा सिंपल, खत्म, वेक्टर बन रहा है सिंपल, वो तुमने सिंपल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है, सिंपल नहीं है, बहरहाल ये एक वेक्टर क्रिएट हो रहा है। क्या ये वेक्टर कहीं पे पॉइंट कर कर रहा नहीं? फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, नहीं नहीं हां फिलहाल ये पॉइंट पे नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब जैसे एक वेक्टर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, एक पॉइंटर क्रिएट डिक्लेयर हुआ, बस बस डिक्लेयर हुआ है। एग्जैक्टली सेकंड लाइन में एक अरे बन रही है, नथिंग स्पेशल, एक अरे है एसटी नाम की, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तीसरी लाइन में क्या हो रहा है? एक आईएसआर बन रही है, एक फंक्शन बन रहा है void interrupt, एक फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, ये आईएसआर है। तो आईएसआर तो नहीं लिखी हुई, आईएसआर नीचे लिखी हुई है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है आईएसआर की, जिस तरह सी प्लस प्लस में तुम ऊपर प्रोटोटाइप लिखते थे फंक्शन की, बिल्कुल उस तरह से। तो ये डिफाइन किधर हुई हुई है, डिफाइन इधर हुई हुई है, void interrupt फलाना और ये वो लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब कोड करके आ रहा है, ये कोड पढ़े जरा, ये करके आ रहा है, ये 65 नंबर वेक्टर उठाता है, उसको स्टोर करवाता है ओल्ड इंट 65 में, फिर वो 65 इंटरप्ट के ऊपर अपना वेक्टर रख देता है न्यू इंट 65 का, यानी ये वाला फंक्शन रख देता है, विच मींस कि ये लाइन हुक कर रही है ना, ये सेकंड लाइन है जो हुकिंग कर रही है। यानी ये अब ये होएगा कि जब 65 नंबर इंटरप्ट आएगा जब भी, तो न्यू इंट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। न्यू इंट का फंक्शन तुमने नीचे लिखा हुआ है, दिस इज वॉट क्लासिक वो है हुकिंग। अब जब मैं तीन दफा जेन इंटरप्ट 65 जेन इंटरप्ट 65 जेन इंटरप्ट 65 करता हूं, तो बेसिकली हुक लगा हुआ है, तो अब वो मेरा न्यू
इंट कॉल करेगा, न्यू इंट कॉल करेगा, न्यू इंट कॉल करेगा। जब मैं ये सारा कुछ करके फारिग हो गया तो ये जाते जाते मैंने क्या किया आखिरी लाइन में, उसको वापस वहीं पे रखवा दिया। अनहुक, अनहुक कहना प्रॉपर लफ्जों में, ठीक है, कि वो जो वेक्टर जिस पे तुमने गन डाला था, मतलब बेसिकली तुमने 65 नंबर वेक्टर को गंदा किया ना, तुमने उसके ऊपर हुक लगाया है, तो जाते जाते तुम उसको एक तरह से अनहुक कर रहे हो कि जो उसका ओरिजिनल एड्रेस था वो वहां पे वापस रख के जा रहे हो। इट्स कंसिडर्ड गुड प्रोग्रामिंग, जरूरी नहीं है। अच्छा, अब हुक के अंदर हो क्या रहा है, ये जो हुक लगाया है न्यू इंट का उसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, वो ये 3 लाइनें लिखी हैं, तो कोई ना कोई पकड़ लेगा कि क्या हो रहा है इन 3 लाइनों में, क्या हो रहा है। तो सर्विस नंबर जो है वो AH में रखवा रहा है, वो स्ट्रिंग का पहला एड्रेस DX में रखवा रहा है। इसका मतलब है पहुंच तो तुम गए हो, तो अगर तुमसे मैं कहूँ ये 3 लाइनें क्या कर रही हैं, सिंपल सी बात करो मेरे साथ, क्या प्रिंट कर रही हैं ये 3 लाइनें, स्ट्रिंग प्रिंट करवा स्ट्रिंग रहा है। प्रिंट कर रही हैं, खत्म, बस दैट्स इट। तो तुम डिटेल में चले गए थे, मैंने इतना नहीं सुनना। तो ये इसमें दो बातें अलाउड थी कहना, पहली ये थी कि 21 की सर्विस 9 कॉल हो रही है, ये भी एक्सेप्टेबल है, और दूसरी बात इसने तो बहुत ही अच्छी कर दी है ना, इसने इसने उस सर्विस को एक्चुअली पहचान लिया है कि यार ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रही है सर्विस। तो अब ये सारा प्रोग्राम एक्चुअली करेगा क्या, हमने 65 नंबर के ऊपर हुक लगाया, अब जब हम 65 नंबर को कॉल करेंगे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, फिर 65 नंबर को कॉल करेंगे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, फिर 65 नंबर को कॉल करेंगे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, और उसके बाद हम अनुक करेंगे और घर चले गए। ठीक है, जिस बंदे ने इन्वायरमेंट सेट कर लिया है कॉपी पेस्ट करो, चला के दिखा दो, शायद मैं आपको अभी कहूँगी स्क्रीन शेयर करो, शायद ना करो। लो जी क्या क्या बातें हुई हमारी, हमारी कुछ बातें हुई कि हमने हुक लगाया, हमने अनहुक किया, हमने सेट वैक गेट वैक ये सारी चीजें हमने की। अब जरा बात गौर से सुनना, व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट अनहुक, अगर हम जाते जाते अनहुक नहीं करते तो क्या होता है? तो तमाशा कुछ ऐसा था कि ओरिजिनली ओरिजिनल सिचुएशन क्या थी, ओरिजिनल सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे एक वेक्टर था, कोई भी एक ये वाला वेक्टर था जो ओरिजिनली पॉइंट कर रहा था एक ISR की तरफ जो सिस्टम चला रहा था, ये सिस्टम की ISR थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, इंटरप्ट आता था, 65 नंबर वेक्टर पे जाता था, वेक्टर उधर जाता था, सब कुछ ठीक ठाक था। तुमने क्या किया, तुमने ये किया कि तुमने ये वेक्टर तब्दील कर दिया, तुमने इस वेक्टर को पॉइंट करवा दिया अपने गंध की तरफ। बाय द वे तुम्हारा गंध क्या था, तुम्हारे गंध का नाम था न्यू एंट 65, तुमने इसको अपने गंध की तरफ पॉइंट करवा दिया, अब तुम्हारा कोड चलना शुरू हो गया, वेरी गुड, सब कुछ ठीक ठाक है। जाते जाते तुमने अनहुक कर दिया, यानी ये लिंक तोड़ दिया, यानी ओरिजिनल लिंक तुमने वापस ले आया। क्वेश्चन इज What happens if you exit the program but do not unhook? क्या होता है? Means कि ये हुक तुम लगा छोड़ते हो और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब क्या होता है? हुक्स आर नॉट लाइक लोकल वेरिएबल्स या कोई ऐसी चीजें थोड़ी हैं, ये तो मतलब एक बड़ी मोजस जगह है IDP जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये एम ही तो नहीं हो जाएगा कि खुद ही तो नहीं हिल जाएंगे, कोई लोकल वेरिएबल थोड़ी है मेरी तुम्हारी तरह जो बस हर दफा रिसेट हो जाए, ये मोजस हैं। तो प्रोग्राम टर्मिनेट होने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो इनकी वैल्यू है वो रिटेन होएगी और ये मेंटेन होएगी। तो हुक्स आर नॉट लाइक लोकल वेरिएबल्स, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डिसाइड, ठीक है, अनलेस तुम खुद हाथ से कुछ करोगे। अच्छा, अब हुआ क्या है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, हुक मौजूद रहेगा, हुक मौजूद रहेगा, ये लिंक मौजूद रहेगा, लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, बट द ISR वॉज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, वॉज अ फंक्शन विद इन द कोड।
जो आईएसआर थी तुम्हारी, ये जो तुमने आईएसआर बनाई थी, ये तो मतलब तुम्हारे प्रोग्राम का हिस्सा थी। अब जब प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो ये तो मेमोरी से आउट हो गई, फिर किसी को समझ नहीं आ रही। तो ये प्रोग्राम तो सिंगल था ना, ये तुम्हारा ये कोड तुम्हारा हिस्सा था उस प्रोग्राम का। जब प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ ये कोड भी मर गया, तो रिजल्ट क्लासिक डैंगलिंग पॉइंटर, रिजल्ट इज अ क्लासिक डैंगलिंग पॉइंटर। कि ये पॉइंटर तो मौजूद है लेकिन ये जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वो जगह ये मौजूद नहीं है। तो ये लॉजिकल एरर्स और अजीब अजीब से एरर्स पे लीड करेगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट अनहुक, सो यू रियली शुड अनहुक, मतलब तुम वरना तुम डैंगलिंग पॉइंटर छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा बात को आगे खींचो। ये बात सोचो कि व्हाट इफ वी वांट टू कीप द हुक इंटैक्ट आफ्टर टर्मिनेशन। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यार प्रोग्रामर ने ये करना है, उसका प्रोग्रामर का मूड ये था कि ये जो 65 नंबर के ऊपर मैंने हुक लगाया है ये सारी जिंदगी ऐसी रहना चाहिए कि जब भी कोई बंदा 65 नंबर को कॉल करे ये हुक चल पड़े। भाई वो अनहुक क्यों नहीं कर रहा था? वो अनहुक इसलिए नहीं कर रहा था कि उसका दिल ये कर रहा था कि 65 नंबर हमेशा मेरे कोड के मुताबिक चलना चाहिए। तो प्रोग्राम तो टर्मिनेट होना ही होना है, प्रोग्राम तो सारी जिंदगी नहीं चल सकता, तो हुक को कैसे इंटैक्ट रखना है? तो आंसर इज दैट द हुक इज ऑलरेडी देयर एज अ हैंडलिंग पॉइंटर। वो है तो मौजूद तो है, वो है गलत लेकिन मौजूद तो है। सो वी ओनली नीड टू कीप द आई एस आर इन मेमरी आफ्टर प्रोग्राम टर्मिनेशन। वी यूज फंक्शन कीप, कीप का फंक्शन यूज करते हैं। ये दो पैरामीटर्स लेता है, दोनों नंबर्स होते हैं, मैं अभी बात करता हूँ उसके ऊपर। वी यूज कीप टू मेक अ प्रोग्राम वर्ड टी एस आर। टी एस आर वही लफ्ज है जो हमने असेंबली में इस्तेमाल किया था, टर्मिनेट एंड स्टे प्रेजेंट एंड। इट मीन्स कि अगर मैं एक प्रोग्राम के एंड पे, अगर मैं एक प्रोग्राम के एंड पे ये लाइन कीप की लिख दूंगा, तो अब ये होएगा कि ये प्रोग्राम टर्मिनेट तो हो जाएगा लेकिन ये रेजिडेंट रहेगा, ये मेमोरी में मौजूद रहेगा। हुक पहले से मौजूद था, उसको तो कुछ हुआ नहीं था, अब वो कोड भी मौजूद रहेगा। तो अब ये तुमने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, तो तुमने एक परमानेंट हुक इस्टैब्लिश कर दिया। दिस इज हाउ काइंड ऑफ ड्राइवर्स वर्क। कि ड्राइवर्स जब तुम इंस्टॉल करते हो तो वो अपना एक पीस ऑफ कोड पक्का पक्का उधर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर देते हैं और एक हुक लगा देते हैं कि जब भी किसी को प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी वो इधर आ जाएगा, खत्म बात। तो अब इसमें से कोई सवाल है तो प्लीज करो, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैं अभी करूंगा, लेकिन सिर्फ इस पार्ट में से कि हुक किया फिर अनहुक किया, अनहुक ना करने तो क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है और कीप क्या होता है। वेरी गुड, यही उम्मीद थी। कीप दो नंबर्स लेता है, कीप का फंक्शन का सिंटेक्स ये है कि वो दो नंबर्स लेता है। पहला रिटर्न कोड होता है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ भी हो सकता है, जीरो यूजली नॉर्मल टर्मिनेशन होती है, वन एबनॉर्मल होती है। पॉइंट ये है कि जब आप एक प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हो तो आप एक वैल्यू भेजते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को या कॉलिंग प्रोग्राम को, कॉलिंग सॉफ्टवेयर को, फिर वो कॉलिंग सॉफ्टवेयर उस कोड की बेस पे फैसला करती है कि आगे क्या करना है। तो दैट ये सिर्फ वो है, आपको कोई जरूरत नहीं, इसकी पूरी किताब में ये जीरो लिखा हुआ है, कहीं पे वन है ही नहीं कि मैं कुछ समझाऊं। दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टू मेक रेजिडेंट। ये क्या करता है? प्रोग्राम को रेजिडेंट करता है, मेमोरी में परमानेंट करता है। अब उसको आपको बताना पड़ता है कि कितने कितना प्रोग्राम का कितना हिस्सा रेजिडेंट करना है, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, कितने करने हैं। तो पैराग्राफ्स इज वन पैराग्राफ इज 16 बाइट। तो अगेन आपकी किताब में कुछ टेंशन नहीं ली हुई उसने एफिशिएंसी की, उसने हमेशा ये लिखा हुआ है, विच मीन्स के वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा जीरो रिटर्न करता है और हमेशा 1000 पैराग्राफ। 1000 पैराग्राफ बड़ी जगह होती है, 16,000 बाइट होती है। तो लेकिन वो बेसिकली टेंशन नहीं लेता, बस वो 1000 लिख देता है, विच मीन्स के पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका रेजिडेंट हो जाता है। अच्छा जी, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने एक वेक्टर बनाया, मैंने एक आईएसआर की प्रोटोटाइप बनाई, मैंने 65, हाँ ये अब मैं तस्वीर से दिखाता हूँ ना, 65 का जो ओरिजिनल पॉइंटर था
वो तो इधर पॉइंट कर रहा था, 65 का जो ओरिजिनल पॉइंटर था वो तो इधर पॉइंट कर रहा था। तो हमने पहले उसका वेक्टर उठाया यानी इसका एड्रेस उठाया और वो सेव कर लिया ओल्ड एंड 65। उसके बाद मैंने 65 के ऊपर हुक लगा दिया, यही वाली काम के 65 के ऊपर मैंने हुक लगा दिया कि मेरे वाला कोड ये न्यू 65 चलेगा। उसके बाद मैं प्रोग्राम को रेजिडेंट कर गया। इससे क्या बनता है, इससे बनता है टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट। मीन्स कि जैसे ये लाइन चलेगी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो गया बस डन टर्मिनेट, लेकिन बैकग्राउंड में वो मौजूद है, हुक भी मौजूद है और ये कोड भी बैकग्राउंड में मौजूद है। यानी कोई भी बंदा बाहर से अगर 65 नंबर को कॉल करेगा तो तुम्हारा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन अब अगर कोई बंदा बाहर से बैठ के जेन इंटरप्ट 65 करता है तो उसका वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है कि हम इसको चलाना शुरू करें। मैं बड़ी मुश्किल से तीसरे लेक्चर को खत्म किया है अभी, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि अगर मैंने एक एक प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया तो गए मर गए। ये चलाने वाला काम खुद करो प्लीज, और चलाना जरूरी है, असाइनमेंट सारी कोड है। एक स्ट्रिंग लिया हेलो वर्ल्ड, एक और स्ट्रिंग लिया ST1 के नाम का हेलो स्टूडेंट्स, एक वेक्टर बनाया, एक ISR बनाई, वही स्टैंडर्ड काम किया कि 65 नंबर पे हुक लगाया और उसको रेजिडेंट करके हम घर चले गए। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम हुक के अंदर करके आ रहे हैं, हम हुक के अंदर ये कर रहे हैं। तो इस कोड को जरा एनालाइज करें और 2-4 मिनट में देखें मुझे कुछ अच्छी बात बताएं इसके बारे में कि आपको क्या समझ आई, ये क्या कर रहा है। वंस अगेन हमने इंटरप्ट 65 को हुक कर लिया, विच मीन्स जब भी कोई इंटरप्ट 65 को कॉल करेगा हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब पहले हम क्या कर रहे थे इसके अंदर, पहले हम सिर्फ ये कर रहे थे कि एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते थे। इस दफा कोई ऐसी गेम है कि या तो ST का स्ट्रिंग प्रिंट होएगा या ST1 का स्ट्रिंग प्रिंट होएगा। ये मेरा ख्याल है हेलो वर्ल्ड था, ये हेलो स्टूडेंट्स था। अभी होएगा किस वक्त, ये होएगा इस वक्त कि अगर AH में 0 है तो ये वाला प्रिंट होएगा, अगर AH में 1 है तो ये वाला प्रिंट होगा। 65 नंबर इंटरप्ट को जब कोई बंदा कॉल करेगा तो कॉलर का फर्ज है कि वो AH रजिस्टर को पहले लोड करे। अगर उसने AH में 0 डाला है तो ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, अगर उसने AH में 1 डाला है तो हेलो स्टूडेंट्स आ जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो अब जो कॉल करने वाला होएगा, कॉल करने वाले का फर्ज है कि वो AH में कोई पैरामीटर लोड करेगा। ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है सर्विस नंबर का। वो कह रहा है कि आप पढ़ते हो ना कि सर्विस नंबर AH में होता है और हर सर्विस मुख्तलिफ काम करती है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। कोड एक्चुअली इस तरह से लिखा जाता है कि मतलब एक सर्विस ये काम कर रही है, दूसरी सर्विस ये काम कर रही है, सो ऑन। अब जो फंक्शन कॉल करेगा कॉलर, उसकी मर्जी होगी कि वो कौन सी सर्विस कॉल करना चाहता है, AH में A1 रख लेता है, 2 रख लेता है। ये तो मैं कर चुका हूँ, ये क्यों अब आ रहा है, हुक्स तो मैं कर चुका हूँ। अच्छा ये इसलिए आ रहा है, ठीक है ठीक है भाई, यहां तक। अगला इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट चेनिंग का, ये पढ़ लेना, मुझे ये लफ्ज अच्छे नहीं लगे ये जो इसने इस्तेमाल की, मैं चेनिंग ही कहूंगा इसको। इंटरप्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि when you hook and interrupt, especially hardware interrupt, you will lose all default quality of that ISR. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हार्डवेयर
जब तुम हार्डवेयर को हुक लगाते हो, हार्डवेयर के इंटरप्ट को पकड़ते हो, तो जो उसकी डिफॉल्ट आईएसआरटी जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है, वो हार्डवेयर को संभाल के बैठी होती है, वो सारी फंक्शनैलिटी तुम्हारे से गई, क्योंकि वो तो तुमने हुक कर दिया, वो तो सारे कोड गया तुमसे। तो यूजुअली वी डू नॉट टोटली बाईपास दीज आईएसआरस एज दे माइट बी परफॉर्मिंग सम इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर रिलेटेड टास्क। हार्डवेयर के आईएसआर को यूजुअली टोटली बाईपास करना स्टुपिडिटी होती है, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं, तुम उतना सारा कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वी चेन विच मीन्स के चेन कैसे करें हम, मतलब इतना बहुत मुश्किल है। तो चेन ये है कि ये हमने हुक लगाया है, ठीक है, सॉरी ये हमने हुक लगाया, ये न्यू रूटीन का हुक, ये वाला हुक है न्यू रूटीन, ये हमारा हुक है, ठीक है। अब बजाय इसके कि जो ओरिजिनल रूटीन थी इसको टोटली बाईपास कर दो, ये करो कि अपनी रूटीन के एंड पे, अपनी रूटीन के बिल्कुल एंड पे ओरिजिनल को कॉल कर दो। ओरिजिनल का एड्रेस तो तुमने सेव किया हुआ है, तो तुमने सिर्फ एक पॉइंटर लगा के उसको कॉल कर देना, तो होएगा ये कि तुम्हारा हुक भी चल जाएगा और ओरिजिनल भी चल पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी दो मॉडल्स हैं, पहला मॉडल ये कहता है कि एंड पे कॉल करो, और दूसरा मॉडल ये कहता है कि ओरिजिनल को शुरू में कॉल कर लो। तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, शुरू में एंड पे कॉल करना होता है। चक्कर ये है कि ओरिजिनल रूटीन के अंदर एंड के ऊपर आईरेट लिखा होता है, विच मीन्स कि वो एंड ऑफ इंटरप्ट मार्क कर रही होती है। तो अगर तुमने ये काम शुरू में ही कर दिया तो तुम्हारा इवन ये हुक भी जाया हो जाता है, मतलब ये इसकी लॉजिक नहीं है। तो अच्छा जी, ये तीन लाइनें पंजाबी में क्या कर रही है? कुछ बोलेगा ही तो मैं आगे चलूंगा, वरना फारे आज क्लास खत्म। ये तीन लाइनें क्या कर रही है पंजाबी में? सर उसकी वेक्टर वैल्यू उसमें ओल्ड वेरिएबल में सेव हो रही है और उसने वापस उसको जो है ना न्यू इंट्री पर रखवा दिया उसका ये भी टेबल। बोल रहा, अगर तैयार भी है तो मैंने अभी पहले कहा था ना कि वो तीन लाइनें तुमने मुझे समझाने की कोशिश की थी, मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं, मजा आया, बस एक ओवरऑल बता दो क्या हो रहा है। तुमने कहा था प्रिंट हो रहा है, तो उसी तरह से ये तीन लाइनें क्या कर रही है, मोटी मोटी बात है। एक तो एक गेट करके अपना सेटअप नहीं बस सॉरी नहीं समझ आई। ये अनहुक हो रहा है और रेजिडेंस हो रही है। हाँ जी हाँ, लेकिन अभी भी मजा नहीं आया। वाकई ऐसा है, इंटरप्ट एट का वेक्टर सेव हो रहा है, इंटरप्ट एट पे हुक लग रहा है और रेजिडेंट हो रहा है, यानी जब भी कोई इंटरप्ट एट कॉल करेगा तुम्हारा हुक चलेगा। वेरी गुड भाई, अब तुम्हारे हुक में तुमने इधर दही बल्ले बना लिए, इधर कोई वो चाट बना ली, इधर समोसे बना ली, सारा कुछ कर ली, सार को कॉल कर दिया, ये चेनिंग है। ओरिजिनल आईएसआर का एड्रेस तुमने सेव किया था ना ऊपर, तुमने ओरिजिनल वेक्टर का एड्रेस उठाया था, वो तुम्हारे पास सेव है, तो अपने गन डालने के बाद ओरिजिनल को कॉल कर दो। दिस इज कॉल्ड चेनिंग। चेनिंग इज इंपॉर्टेंट इन हार्डवेयर आईएसआर, ठीक है। ये खुद कंप्लीट सर हो ये गया, फंक्शनैलिटी डुप्लीकेट नहीं हो जाएगी, मतलब तो ये भी प्रिंट स्क्रीन करवाएगी, दूसरी भी प्रिंट प्रिंट करवाएगी। हाँ जी बड़ा वो है, बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव सा काम है, थोड़ा सोच के करना है कि क्या कर रहे हो। हाँ मैं तुम्हारे तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका आंसर कोई नहीं है। इसका आंसर सिर्फ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, गौर से करो, पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल वैलिड है। अभी थोड़ा सा करोगे तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है। लो भाई ये पढ़ लो और मुझे पढ़ा दो। ठीक है, टाइमर एक हार्डवेयर का इंटरप्ट है,
जो 18 दफा एक सेकंड में आता है, और आता कहाँ है, इंटरप्ट 8 पे आता है। मुझे तो देखने दो कितनी डिटेल में जाना है, मेरे ख्याल में तो काफी डिटेल में जाना है, हैं बस ठीक है चक्कर है। अच्छा ये इस तरह से है कि आगे इसके ऊपर ना कुछ दो तीन लेक्चर हैं यार आगे जाके, तो मैं अभी नहीं करूंगा, मैं अभी जिस तरह से किताब चल रही है वैसे ही चलूंगा। ये मेरे ख्याल लेक्चर 8-9 में इसके ऊपर दो तीन लेक्चर हैं चिप के ऊपर ना, उस पर डिस्कस करेंगे। इस वक्त सिर्फ याद रखो दो बातें कि CPU receives int 8 via hardware 18 times per second, ये याद रखो बस, सारा कुछ मैंने एक लाइन में समेट दिया। ये हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये सॉफ्टवेयर सिग्नल नहीं है, एक्चुअली एक चिप लगी हुई है, वो चिप ये पल्स जनरेट करती है और वो 18 दफा एक सेकंड में जनरेट करती है और वो इंटरप्ट 8 के जरिए सीपीयू तक ये पहुंचाती है। इन सिंपल वर्ड्स, सीपीयू एक सेकंड में 18 बार इंटरप्ट 8 आता है, एक सेकंड में 18 बार। एंड यू कांट कंट्रोल दिस, ये हार्डवेयर है, ये ऑटोमेटिकली एक चिप लगी हुई है टाइमर की जो टिक 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 करी जा रही है, ठीक है, तो यू कांट रियली कंट्रोल इट। अच्छा अब एक तो मैं मुश्किल लगेगा थोड़ा सा स्टेज पे, लेकिन बहरहाल छोटी छोटी चीजें पहले सीखनी है। ये सारी BIOS कहां से आती है पता ही होगा, BIOS lives in मदरबोर्ड पे कहां जिंदा रहती है BIOS? मेमोरी में, रोम में, रोम में, मतलब हां मतलब अब तो खैर BIOS की अपनी चिप होती है, बहरहाल रोम में वो जिंदा रहती है ट्रेडिशनली। बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग में ये होता है कि BIOS goes from ROM to RAM, जिस तरह विंडोज होती है, विंडोज डिस्क के ऊपर होती है, बूटिंग के अंदर वो उठ के वहां से रैम में आती है, ठीक है, तो BIOS ROM से RAM में जाती है। इट क्रिएट्स डेटा स्ट्रक्चर्स इन RAM विच आर वेल नोन, मतलब विच आर डॉक्यूमेंटेड, मतलब ये छपे हुए हैं कि इसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन एड्रेस, इन क्या कहना चाहिए, इन द डेटा एरिया एट 40 सेगमेंट जीरो ऑफसेट, ठीक है, ये बार बार हमारे कोर्स में आएगा कि 40 सेगमेंट से जो भी शुरू होएगा ना एड्रेस में फॉरन पहचान जो कि यार ये BIOS का डेटा एरिया है। इसमें डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं, इस वक्त जो चीज तुमने वो दिखा रहा है वो ये है, तो इस वक्त तुम्हें वो ये चीज दिखा रहा है। बेसिकली एड्रेस क्या है इसका, 40:17, तो BIOS का डेटा एरिया है, उस पे एक बाइट पड़ी हुई है जिसका नाम है कीबोर्ड स्टेटस बाइट, एक बाइट है सिर्फ 8 बिटों की, कीबोर्ड स्टेटस बाइट। ये मजेदार चीज है, मजेदार ये है कि जब तुम कीबोर्ड से इंसर्ट की दबाते हो ना, इंसर्ट मोड में डालते हो कीबोर्ड को, तो ये वाली बिट ऑन हो जाती है। जब तुम कैप्स लॉक की दबाते हो तो ये वाली बिट ऑन हो जाती है। दो बातें हैं भाई जरा गौर से करना, कैप्स लॉक जब दबाते हो तो लाइट भी जलती है कीबोर्ड पे, और एक उसका बिहेवियर कैप्स लॉक का होता है ना कि कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं, बिहेवियर इस बिट से कंट्रोल होता है, इस बिट से। लाइट एक और जगह से कंट्रोल होती है, वो भी कंट्रोल कर सकते हो करना चाहो तो। अगर तुम कैप्स लॉक ऑन करना चाहते हो तो तुम सिर्फ आके ये बिट ऑन करोगे, कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम उसकी लाइट ऑफ करना चाहते हो तो वो एक और जगह है, वो भी तुम्हारे कोर्स में ही है, लेकिन फिर करेंगे, अभी करना पता नहीं क्या चाह रहा है। हाँ एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा नहीं ये क्या करना चाह रहा है, तो ये करेगा, ठीक है। आई थिंक हम क्लास खत्म कर सकते हैं इसके आसपास, लेकिन इस पर पूरा एफर्ट कर लो, इसमें से आपको कुछ चीजें मुझसे पूछनी पड़ेंगी, तो मुझसे पूछो लेकिन कोशिश करो कि इसको कंक्लूजन खुद ही निकालो कि ये क्या हो रहा में। इतना इंपॉर्टेंट है कि एक दिवस को डिस्कस कर लेना चाहिए, आगे जाके फिर वो हो जाता है। तो सबसे पहले कोई ऐसा बंदा जो नहीं बोल रहा, ये क्या हो रहा है पंजाबी में?
डिस्कस होना अब, कम अज कम लेक्चर 12 तक, नहीं 12 भी नहीं यार, मतलब कम अज कम 12 तक, एफ 18 तक, ये हर सफ़े पे किताब पे लिखा होगा ये हुकिंग और ये सारा कुछ ना। तो बस ये हो गया, बस ये समझ आ गई मुझे कि क्या हो रहा है, ये ओल्ड हुक हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना फलाना फलाना। अब मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इसमें, जो नई चीज़ें हो रही हैं हमेशा उसके ऊपर हुआ करेगी। ये लाइन बिल्कुल नई है सबके लिए, और एक ये हुक नहीं है, ये हुक में कुछ हो रहा है, ये हुक है। तो पहले हम हिसाब लगाएं, पहले हम इसका हिसाब लगाएंगे कि ऊपर वाली लाइन क्या कर रही है। तो अब ऐसा तुम्हें थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? ये बिल्कुल नया, नई सी चीज़ है, नई सा तरीका तुम्हारे लिए लिखने का, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। कंसिडर 40:00, ठीक है? एक्चुअली जब इसको लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, क्योंकि सेगमेंट भी 16 बिटों पे लिखनी होती है और ऑफसेट भी 16 बिटों पे लिखना होता है। अब जब इसको हेक्सा की फॉर्म बनाते हो प्रोग्रामिंग करते हुए, तो जहरी बात है तुम्हें 0x तो लिखना ही है, तो 00400000 40। सॉरी, मैं 0 से क्यों शुरू हुआ, मैं 17 से शुरू हुआ ना, 40:17 एड्रेस है, ठीक है? तो कागज पे लिखते हुए हम इस तरह बात करते हैं 40:17। टेक्निकली बात ये होती है कि सेगमेंट भी 4 पे है, ऑफसेट भी 4 पे है, और फिर जब इसको कोड के अंदर उतारते हो तो पहली 4 सेगमेंट हो गई, अगली 4 ऑफसेट हो गई, तो ये तुम्हारा एड्रेस बन गया, और इसकी तरफ तुमने एक फार पॉइंटर डिक्लेयर करवा दिया, उसका कोई भी नाम रख लो, SCR मैंने नाम रख लिया। तो बेसिकली SCR इज अ पॉइंटर टू 40:17, या वो जो कीबोर्ड स्टेटस टाइप थी। वापस आओ, 40:17 के ऊपर ये पड़ा हुआ है, ये कीबोर्ड स्टेटस बाइट पड़ी है, हमें पता है। अब हमने इसकी तरफ कोड में एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाना है ताकि हम इसके ऊपर काम करें, तो वो पॉइंटर इस तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब ये आपको खुद बहुत समझ आना चाहिए कि आपका हुक क्या कर रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, एक लाइन है यार, सिर्फ एक लाइन है ये वाली, तो कोशिश तो करो। नहीं वाकई 64 को बाइनरी में लिखो, 2 की पावर 6 होता है ना, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो कितनी बिटें हो गई, 1, पता नहीं कैसे गिनना है, गिनना कैसे है, 0 से गिनना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठी बिट ऑन है, यानी बेसिकली ये जो छठी बिट है ये मैंने ऑन कर दी है। जब मैं स्टार SCR कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ वैल्यू एट SCR, ये मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू एट SCR इज इक्वल टू 10000 जो भी है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, स्विचिंग ऑन द बिट कॉरेस्पॉन्डिंग टू कैप्स लॉक, बेसिकली कैप्स लॉक ऑन कर दिया। मैंने हुक लगाया इंटरप्ट 8 के ऊपर, ये बड़ी पावरफुल बात है, क्योंकि जब इंटरप्ट 8 के ऊपर हुक लगता है तो वो खुद ब खुद हुक 18 दफा एक सेकंड में चलता है। अब ये चलेगा एक सेकंड में 18 दफा, कोड करता गया, कोड कैप्स लॉक ऑन कर देता है सॉफ्टवेयर के जरिए से। तो बस ये प्रोग्राम है सारा, प्रोग्राम रन करोगे कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा, बंदा तंग आ जाएगा, बंदा कहेगा यार कैप्स लॉक ऑन हो गया, वो बटन दबाएगा कैप्स लॉक ऑफ करने के लिए, वो बटन दबाएगा ऑफ हो जाएगा, लेकिन इतनी देर में पीछे से फिर इंटरप्ट 8 आ चुका होगा। तो वट एवर जो मर्जी भी यूजर कर ले वो कैप्स लॉक ऑफ नहीं कर पाएगा, ये बेसिकली यूजर को तंग करने के लिए एक बस छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, मकसद कोई नहीं है इसका, बस ये अच्छा पॉइंट है रुकने का, मेमोरी मैप्ड और आइसोलेटेड आईओ। हाय, बड़ा मटेरियल है इस किताब में यार, बड़ी ही मुश्किल से हम 5वें तक पहुंचे हैं, लेकिन चलो तेज नहीं जाना, बस पहले 9 बहुत मुश्किल है,
उसके साथ सही जाना है। कुछ पूछना है तो पूछो।